हेलो, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी कि द फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, हम इनको सिंपल वर्ड्स में समझेंगे इस चीज़ को। एंड बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, दे आर एक्चुअली आस्क्ड इन योर नेट एग्जाम्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ योर मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इसमें यह होता है कि दो अनलाइक चीज़ों को एक साथ एक तो कंपेयर किया जाता है, प्लस दे आर टेकन एज वन थिंग। फाइन, सो इसका द डेफिनेशन इज़ द फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स द अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन इज कॉल्ड मेटाफर। यानी कि दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, उनको एक माना गया है और कंपेयर भी किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये एक एग्जाम्पल है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, इसे वर्ल्ड और स्टेज को कंपेयर भी किया है और उनको एक भी माना गया है कि द ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अ सिमिली। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सिमिली? सिमिली इज़ ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर किया गया है, बट इसमें एक चेंज ये है कि इसमें दो टर्म्स यूजली यूज़ किया जाता है, वन इज़ लाइक एंड द अदर वन इज़ एज। ओके, सो इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लाइक और एज। किसी भी सेंटेंस में जब लाइक और एज यूज़ होगा, देन इमिजिएटली आपको दिमाग में रखना है दैट इट इज़ अ सिमिली। फाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो इसमें लाइक वर्ड यूज हुआ है, यानी कि इट इज़ अ सिमिली। एंड इफ देर इज़ नो लाइक, देन इट इज़ मेटाफर। फाइन, ओके, नेक्स्ट इज योर कंसीट। ओके, कंसीट क्या होता है? एन एक्सटेंडेड मेटाफर कंपेयरिंग टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स विथ पावरफुल इफेक्ट। इसमें दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को फिर से कंपेयर किया गया है एंड उसमें भी बहुत ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ दे बी टू, दे आर टू, सो स्टिफ। ओके, इफ दे बी टू, दे आर टू, सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। दाय सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो टू मूव बट डोथ इफ द अदर डू। अब ये जॉन डन के एक पोएम से यूज़ किया गया है जिसमें दो लवर्स को जो कंपास होता है, यू मस्ट हैव सीन, कंपास में क्या होता है, एक देयर इज़ वन नीडल, वन पॉइंट्स योर नॉर्थ, द अदर साइड पॉइंट्स योर साउथ। तो दोनों साइड को एक दो एक लवर, मतलब एक बॉय है एक गर्ल है, द अदर लवर्स, तो उन दोनों से कंपेयर किया गया है इस कंपास स्टिक को। ठीक है, सो यूज़ ऑफ स्टिफ ट्विन कंपासेस टू डिस्क्राइब टू लवर्स हु आर फिजिकली पार्टेड बट यूनाइटेड इन देयर सोल्स। ठीक है, तो वही है कि दोनों फिजिकली दे आर पार्टेड बट यूनाइटेड इन देयर सोल्स। सो दिस इज़ योर कंसीट, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यू नो एम्फेसिस दिया गया है टू एलैबोरेट इट, पावरफुल इफेक्ट दिया गया है एंड इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर मेटाफर। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में यू कैन सी कि इसमें यह होता है व्हेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर पर्सोनिफाइड और टेकन एज लिविंग। जो चीज़ है ही नहीं उसको है लेकिन दे आर नॉट लिविंग, और उस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है एज ए इट्स अ लिविंग थिंग। ठीक है, सो पर्सोनिफिकेशन द फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, सो दिस इज़ द टर्म, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड माइंड इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यानी कि वही चीज़ है कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इन दोनों चीज़ों के ऐसे लिया गया है एज इफ इट हैज़ लाइफ एंड माइंड। ठीक है, कि इसमें माइंड भी है और लिविंग भी है, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, एंड इसका एक एग्जांपल आई एम गिविंग यू, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। ओके, ऑब्वियसली टीचर इज़ यूजली अ ह्यूमन बीइंग एंड एक्सपीरियंस इज़ इट्स एन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है इसके एक्सपीरियंस, एंड उसी को कंपेयर किया गया है विथ टीचर. ऑलराइट, तो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विच इज़ कंपेयर्ड टू अ लिविंग थिंग एंड इट इज टेकन एज अ टीचर. फाइन, द नेक्स्ट टर्म इज अपोस्ट्रोफी. ऑलराइट, what is an apostrophe? A figure of speech in which we address to the dead, to the absent, or to the personified object or idea is called apostrophe. It is a figure of speech jisme again dead people and aise logo ko mention kiya gaya hai who are absent, jo abhi hai nahi unko agar aap mention karoge, or those people who are dead उनको अगर आप मेंशन करते हो देन इट इज़ अपोस्ट्रोफी. ऑलराइट, इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच एड्रेसेस अ पर्सन और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट. अगेन पर्सोनिफिकेशन वर्ड आ रहा है. पर्सोनिफिकेशन में वही होता है व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड एज लिविंग. ठीक है, तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट. एंड इसका एक एग्जाम्पल है, ओ माइटी सीजर डोस्ट दाउ लाई सो लो, आर ऑल दाई कॉन्क्वेस्ट ग्लोरीज ट्राइम्स स्पॉइल्स ओ माइटी सीजर. इसमें मार्क एंटनी जो है ही सेइंग दैट आफ्टर सीजर्स डेथ हिज इम्पैक्ट इज नॉट प्रिवेलिंग एनी मोर एंड हिज यू नो आइडेंटिटी हैज़ बीन डिमिनिश्ड. सो हियर मार्क एंटनी सेज दिस टू सीजर्स डेड बॉडी. ही सेइंग दैट एवरीथिंग सीजर हैज अकम्प्लिश्ड इज नाउ डिमिनिश्ड बिकॉज ही इज डेड. यानी कि सीजर के मरने के बाद ऑब्वियसली सब कुछ डिमिनिश हो गया है. जो भी सीजर था, सीजर वॉज अ वेरी वेल नोन एम्परर एंड ही वॉज अ कॉन्करर बेसिकली, एंड आफ्टर हिज डेथ ही वॉज नथिंग, ही वॉज जस्ट अ डेड बॉडी. राइट, तो अगेन ही अ डेड पर्सन इज बींग एड्रेस्ड एंड दिस इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज मेटोनिमी. The substitution of a word which relates to the object or person to be named in place of the name itself. इसमें ये होता है कि किसी person को अगर हम address कर रहे हैं and instead of taking his or her name, we are using some other word, you know, किसी और चीज़ को mention करके उसको हम mention कर रहे हैं. This is called metonymy. The name of an object or concept is replaced with a word closely related or suggested by the original. अब ऐसे words हम replace कर रहे हैं उस word को which is closely related, काफ़ी close है उस इंसान के नाम से या उसकी identity से. For example, जैसे crown word है, हम crown को instead of king भी use करते हैं. ठीक है, so it is closely related to king. In simple words, metonymy is substitution of the name of person या किसी identity जो है उसको replace करके किसी कोई और word अगर हम use करें, this is called metonymy. And one example is, the serpent that did sting thy father's life now wears his crown. ये Hamlet में use किया है. The serpent मतलब कि इंसान के नाम की जगह सर्पेंट जो कि सांप है, ओके, उसको मेंशन किया है विच इज़ क्लोजली रिलेटेड. यानी कि वो इंसान भी सांप की तरह है जिसने अपने फादर के थ्रोन को ले लिया. वो वेयर्स हिज क्राउन. ओके, अपने फादर को लाइफ को स्टिंग किया उस सर्पेंट ने. अब नाम नहीं लिया उस इंसान का, इंस्टेड अनदर वर्ड इज़ यूज, हु इज़ नाउ वेयरिंग हिज क्राउन. सो दिस इज़ कॉल्ड मेटोनिमी. ऑलराइट, then the next term is hyperbole. Okay, hyperbole is a statement, it is a figure of speech in which a statement is made emphatic. Emphatic matlab expressed forcibly, kis cheez ko bahut forcibly emphasize kiya gaya by overstatement. Overstatement yani badha chadha ke bolna is called hyperbole. Theek hai, that is basically gross exaggeration for effect, overstatement, ज़्यादा exaggerate करना इस चीज़ को. For example, our hands were firmly cemented. Okay, ये John Donne के The Ecstasy से लिया गया है. Our hands were firmly cemented. अब obviously हाथ को cement की तरह तो नहीं लिया जा सकता,